बच्चों काइनेमेटिक्स का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे छोड़ा था। तो काइनेमेटिक्स में हमने तीन फॉर्मूले बताए थे, जस्ट मेंशन कर दिया था, सवाल एक भी नहीं कराया था। सबसे पहला था फॉर कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन, पहला फॉर्मूला लिखा था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रथमेश तुम्हें भी ये सब आता होगा। देन यस सर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। और मैंने मेंशन किया था ये सब है क्या, एस क्या है, वी क्या है, ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। और आज हम लोग इस पे बेस्ड सवाल करेंगे जो बहुत ही इजी होगा, सबको समझ में आएगा, 100% समझ में आना चाहिए। त्रिशा कनेक्टेड है? हाँ। निकिता कुंवर तुमने भी आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रही हो फिजिक्स का? यस सर। हमारा भाई जो है ना बहुत लेजी है, लड़ाई कर लेना उससे। कृष्णा ने एडमिशंस बहुत पहले ली। चलो एक सवाल करते हैं बच्चों, लिखो पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी या सिंपली ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए स्ट्रेट लाइन at t equal to 0, its velocity is 2 meter per second and it has constant acceleration 0.4 meter per second square. ये हमने सवाल दे दिया। देन फाइंड देखो ये सारे बच्चे सवाल करेंगे, ये सिर्फ खुश होने के लिए सवाल है बच्चों। तुम्हें आता है, नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में किए हो, हम वहां से स्टार्ट करें जहां तुम्हें आता है, जिसमें एकदम से कंफर्टेबल हो। Find velocity at t equal to 5 seconds. Dusra, displacement in interval t equal to 0 to t equal to 5. थर्ड सवाल, तुम लोग साथ साथ सॉल्व भी करते जा सकते हो। फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी Find time when its velocity becomes 8 meter per second.
फोर्थ सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 meters per second. पांचवा सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टी इज इक्वल टू 5 second टू टी इक्वल टू 10 second. सिक्स्थ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 second. अब ये 6 सवाल दिया, 6 सवाल होना चाहिए. देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये सारे फॉर्मूले हम लगा सकते हैं. देखना स्टेप वाइज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.4 meters per second square. दैट मींस वी कैन यूज दिस 3 formula. सो फर्स्ट सवाल में क्या क्या है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 second. हमें फॉर्मूला क्या पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू क्या था, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0. तो v कितना होगा, u देव की तुमने यहां मिस किया, u तुमने नहीं लिखा, u इज गिवन प्लस 2 प्लस a 0.4 इंटू टी इज 5 हो जाएगा 4. यूनिट पुट कर दोगे मीटर पर सेकंड में है. पहला सवाल सॉल्व हो गया. दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस इंटरवल. तो ये यही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से t. इस फॉर्मूला में s इज डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल 0 to t, या सिंपली वही बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, फर्स्ट टी सेकेंड. तो दूसरे के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, s इज इक्वल टू यू, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 into t 5 प्लस हाफ इंटू 0.4 इंटू टी स्क्वायर 10 प्लस. इसको सॉल्व कर लोगे 0.2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5, 15 meters. सारे बच्चों ने सही जवाब दिया. तनिष्का ने बताया सेकेंड का 15, बहुत बढ़िया तनिष्का. स्नेहा ने बताया सेकेंड का 50. स्नेहा देखो कहां गड़बड़ किए. पल्लवी सिन्हा क्या गड़बड़ कर रहे थे वो भी देखना. थर्ड सवाल, फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 meters per second. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्या पूछा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी पूछा है. हम सर्टनली ये नहीं ले जाएंगे क्योंकि एस ने पूछा ना दिया हुआ है. है ना. So, इसमें लिखेंगे v इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज इसको सॉल्व कर लोगे तो जाएगा t इज इक्वल टू 6 upon 0.4. That is equal to 60 by 4, 15 seconds.
एंड इसका ने पहले आंसर बता दिया था देवकी, शायद तुम्हारा मिस्टेक था कुछ। सो ये तीन सवाल में किसी को डाउट नहीं होगा। चौथा पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से पूछ रहा है, देखना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और टाइम में नहीं पूछ रहा है, इतने टाइम में नहीं पूछ रहा है। जिस समय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया तो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ए दिया हुआ, एस निकालना है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो फोर्थ का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? अब तुम्हें यह भी ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये चीज समझना है। तो यहां लिख लेंगे 8² - 2² दैट इज इक्वल टू 2 × 0.4 × s। है ना? So a² - b² कोई 64 - 4 करेगा, बट मैं तो ऐसे लिखना प्रीफर करता हूं, 8 + 2 × 8 - 2 ऐसे लिखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, 2 × 0.4 × s। ये छोटा भी लिख रहा हूं, बस समझ जाओगे। So s comes out as, ये तो हो गया 60 by 2 × 0.4, है ना? तो ये जाएगा 75, आई थिंक 75 आ रहा है। Yes, किसी ने आंसर दिया? फोर्थ का 75 लोकेशन, बहुत बढ़िया। प्रथमेश यादव, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो तो फोर्थ का कोई ऐसे भी सॉल्व कर सकता था बच्चों, तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि अभी हमने टाइम निकाला था कि थर्ड सवाल में थर्ड का आंसर यूज कर लो कि ये 8 मीटर पर सेकेंड टी इक्वल टू 15 पे आया था। तो 15 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अल्टरनेट मेथड, एस इज इक्वल टू यू टी 4 × 15 + ½ × 0.4 × 15² ठीक है, तो जाएगा 60 + 0.2 × 15² = 225। सॉरी, यहां 4 नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया था। कितना हो जाएगा 30 + ये कितना हो जाएगा 75 मीटर। सो फिफ्थ सवाल में अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम का हेल्प लूं
तो लेट्स टी इक्वल टू 0 पे यहां पे टी इक्वल टू 5 पे चलते हुए कहीं यहां पहुंच गया, टी इक्वल टू 10 पे यहां पे है, तो हमें ये ही चीज निकालना है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये पॉइंट। तो इतना ये कहां कैसे निकलेगा, कैन वी से कि ये दिस माइनस दिस है, और ये क्या है, ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये ऐसे लिख लेता हूं S10, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। टेन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे दिख रहा है यू इंटू टी, टी कितना है 10 प्लस हाफ ए, वैल्यू पुट करूंगा यू और ए का, अभी रहने देता हूं 10 स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, यू इंटू 5 प्लस हाफ ए इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये जगह कम है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं और ये मिटा रहा हूं, तुम लोग साथ साथ लिखते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, 40 40, हाँ यू वाले को एक साथ लेते हैं, 10 माइनस 5 तो हो जाएगा 5 प्लस हाफ ए कॉमन, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना, सो u इज 2 तो हो जाएगा 10 प्लस a का वैल्यू 0.4 पुट कर दिया तो 0.2 इंटू ये कितना है, ये सॉरी 75 है, ये इंटू 2 150 पॉइंट है 15, तो कितना हो जाएगा 25, कुछ गड़बड़ किया क्या, नो सर। तो फिफ्थ का आंसर कितना आया बच्चों, 25। दिया परदेसी ने कहा कि सही है सर, 25 आया उसका भी। अब आते हैं जो आज सीखने वाला चीज है वो ये है, सिक्स्थ सवाल, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। अब 10th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, अब इस चीज को समझना, मैंने पूछा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, 10th सेकेंड एक होता डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 9 टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, दसवां सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। 10 सेकेंड कब स्टार्ट हुआ, 9 सेकेंड के जस्ट बाद, तो 9 से लेकर के 10 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, टी इक्वल टू 9 से टी इक्वल टू 10, सो सिक्स का आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। किसी को दिक्कत तो बताओ,
आई होप कि नहीं होना चाहिए. जैसे ये फाइव है, मान लो ये 10 सेकंड पे था, यहाँ पे 9 सेकंड पे यहाँ पे है, तो हमें क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था. 9 से 10 में कितना गया? 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकंड का. कोई दिक्कत नहीं, वही तो करना है. u इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर माइनस u इंटू 9 प्लस हाफ इंटू a इंटू 9 स्क्वायर. सॉल्व कर लो. u इंटू 10 माइनस 9 1 प्लस हाफ a 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. कितना है 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 0.2. वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो जाएगा ये 90. कितना हो जाएगा आंसर? 5.8 meter. कितने लोगों को आया था ये? कुमुद बताए सर क्लियर है? मेरे तरफ से अभी नेटवर्क दिखाया कि थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है मेरा. ओके गुड. तो एक सवाल वैसा ही फिर से लेते हैं, एग्जैक्ट सेम. चलो मैंने फिर से वैसा ही सवाल लिया. पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meter per second प्लस 20 एंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज माइनस 2 meter per second square. देन फाइन कुछ सवाल देंगे. तो पहले तो ये बताओ कि हमने वन डायमेंशन के लिए एक्सप्लेन किया था कि आई कैप माइनस आई कैप हर बार नहीं लिखेंगे, सिंपली प्लस माइनस से डायरेक्शंस दिखा देंगे. ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं. सो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम लोग कोई एक डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले लिया, सपोज ये डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है 20 meter per second. एक्सेलरेशन माने से मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट इधर एक्सेलरेशन. और
चूंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अभी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। शायद लास्ट क्लास में हमने इस चीज को सिखाया था। ओके, और जो हमने फॉर्मूला लिखा v इक्वल टू u प्लस ats इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो स्केलर फॉर्मूला नहीं है, वो वेक्टर फॉर्मूला v u a सब वेक्टर फॉर्म में, बट वन डायमेंशन के लिए, इसलिए हम प्लस माइनस से ही साइन से ही हम डायरेक्शंस बता देते हैं। पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, निकालते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर भी बताते जाना। दूसरा, फाइंड टाइम व्हेन इट विल कम टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट, तीसरा फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 12 सेकेंड, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड। फिर इसी में फोर्थ में 8 सेकेंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, 12 सेकेंड में निकालना है, 10 सेकेंड में निकालना है। फोर्थ के बाद हम आगे और सवाल लेंगे। तेरो फोर्थ रिपीट कीजिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड, दूसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू 0 to 12 सेकेंड, टी इक्वल टू 0 to 10 सेकेंड। इसमें तीन सवाल दे दिया फोर्थ में। जिसे हमने लिख दिया टी इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड, कभी कभी लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, मतलब वो फर्स्ट 8 सेकेंड की बात कर रहा है, अदरवाइज मेंशन करेगा। तो ये दो सवाल हमने सॉल्व किया देखो, और ये समझाया थर्ड में कि ये वेलोसिटी -4 आया, इसका मतलब डायरेक्शन इधर होगा। फिर चौथा सवाल, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी, यू कितना है 20 into 8 माइनस हाफ ए माइनस, इसलिए -2 यहां पुट कर दिया है ना, इंटू 8 स्क्वायर। सही है 96 मीटर। इसी में एक और सवाल पूछा, 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकेंड में और 12 सेकेंड में, पहले 10 वाला निकाल लेता हूं, या पहले 12 पूछा तो 12 भी निकाल लेता हूं। निकाल के तुम लोग बताओ कितना आ रहा है 12 सेकेंड का। नहीं, बहुत देर से रिकॉर्डिंग है, कुछ चीजें जो बता दिया थोड़ा सा मिस हो गया रिकॉर्डिंग में।
तो जो हम लोग सवाल पूछे थे बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी इक्वल टू 0 to 12 seconds तो यहां से मैंने समझाया कि देखो हमने समझाया था कि यहां से चला है ऐसे गया है 10 सेकेंड पे 100 था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ है, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हुआ, मतलब ये वापस आया है। तो आई होप कि अब सबको समझ में आ गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल इज दिस 100 + 4, ये 96 पॉइंट है, क्योंकि t इज इक्वल टू 12 पे हमने पोजीशन निकाल लिया था डिस्प्लेसमेंट। सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 104। क्या किसी को अभी भी डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। मार्क ने बताया कि नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो जो जो मिस्टेक्स कर रहे थे उसको क्लियर होना चाहिए। आयुष यादव ने कहा डाउट नहीं है सर। अब नीट में क्या पूछेगा बताता हूं मैं। सिक्स सवाल इसमें भी लिख लो, सिक्स सारे बच्चे लिखेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, स्पीड तो मैग्नीट्यूड ही रहेगा, इन इंटरवल इक्वल टू 0 to t = 12 seconds। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फॉर्मूला पढ़ाया है 12 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाला था 96 बाय टाइम कितना है 12, बट एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इज 104 डिवाइड बाई 12। अब सुनना, हमने एक स्टेटमेंट इनफैक्ट दिया था जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे, तो जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे तो एक स्टेटमेंट हमने ये दिया था कि अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे ऐसे जा रहा है यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल ये पाथ लेंथ होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सर्टेनली कम होगा डिस्टेंस ट्रेवल से। अब आता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है यहां से यहां गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी ये, डिस्प्लेसमेंट भी ये, डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है बट जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं उस इंटरवल में उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया, पहले ऐसे जा रहा था, कुछ देर बाद ये ऐसे जाने लगा, यहां पे आ गया, किसी भी पॉइंट पे चेंज कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम इनिशियल से फाइनल पोजिशन ये कहेंगे, बट डिस्टेंस ट्रेवल दिस प्लस दिस होगा। तो स्ट्रेट लाइन पे भी मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, अगर उस इंटरवल में पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशंस चेंज किया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रथमेश बताओ,
ये नीट में आ सकता है, ऐसा सवाल आ सकता है। प्रथमेश ने कहा नॉट क्लियर, कहां पे दिक्कत आई प्रथमेश? चलो एक बार और मैं इसको बोल देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल क्लाउड पाथ पर मूव कर रहा है, सपोज यहां से यहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल पोजिशन? ये कुमुद पंडित को नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज उसने अभी क्लास अटेंड नहीं किया है, निकिता को नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रथमेश, अच्छा प्रथमेश यादव ने पूछा, अच्छा अच्छा प्रथमेश यादव तुम्हें थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स देखना होगा, जो नए बच्चे उनको दिक्कत होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है इनिशियल टू फाइनल पोजिशन को मिला दो, तो प्रथमेश तुम पीछे का लेक्चर्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल होता है पाथ लेंथ, ऐसे गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या, कौन बड़ा है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा होगा। वैसे ही अगर पार्टिकल यहां से चला, ऐसे जा रहा और सीधे यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजिशन को मिला दो स्ट्रेट लाइन से, और डिस्टेंस ट्रेवल भी यही है पाथ लेंथ, दोनों इक्वल है। बट अगर ये ऐसे गया और फिर कहीं वापस आ गया, ऐसे आ गया, तो इनिशियल ये फाइनल ये, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिफाइंड है दिस लेंथ पूरा पाथ लेंथ जो रेड कलर से दिखाया। थोड़ा थोड़ा शायद क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज पीछे का लेक्चर देख लेना।